सिख पंथ के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं चार सुपुत्रों के बलिदान को नमन कर सिख समाज की नमन यात्रा बुधवार को जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे से निकाली गई। नमन यात्रा का शुभारंभ भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एवं महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने किया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये जनप्रतिनिधि पूरी यात्रा में साथ चले। नमन यात्रा गुरुद्वारा जटाशंकर से सुमेर सागर, विजय चौक, सिनेमा रोड, गोलघर, टाउन हॉल, शास्त्री चौक, अम्बेडकर चौक, छात्र संघ चौक होते हुए पैडलेगंज पहुंची, जहां गुरुद्वारा पैडलेगंज के अध्यक्ष कुलदीप सिंह नीलू के नेतृत्व में स्थानीय श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। फिर गुरुद्वारे में कीर्तन व अरदास कर माता गुजर कौर एवं चार साहिबजादों के देश धर्म के लिए किए गए महान बलिदान को नमन किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश व धर्म की रक्षा में सिख धर्म के वीरता, साहस और बलिदान गाथा को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सिख गुरु साहिबान, चार साहबजादे और तमाम अन्य सिख शहीदों की वीरता और कुर्बानियों का नतीजा है कि भारतवर्ष आज एक मजबूत और अखंड राष्ट्र बना हुआ है। हमें ऐसे महान बलिदानियों के समक्ष हमेशा नतमस्तक होते रहना है, ताकि उनकी शौर्य गाथा युगों युगों तक हम सभी का मार्गदर्शन करती रहे। इस अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, समाज सेविका सुधा मोदी, इंजीनियर सतीश सिंह, धर्मपाल सिंह, राजू, हरप्रीत सिंह साहनी, गगन सहगल, चरणप्रीत सिंह मोचू, डॉक्टर दीपक सिंह, हरजीत सिंह, एडवोकेट दलजीत सिंह, अशोक मल्होत्रा, केशव मृगवानी, खैराज दास, पार्षद छठी लाल गुप्ता, अजय गुप्ता, देवी श्रीवास्तव, अरविंद हरे गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, सचिन गुप्ता, मनोज आनंद, दुर्गेश त्रिपाठी, रसपाल सिंह, जोगिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह उप्पल, राजेंद्र सिंह सैनी, मैनेजर राजेंद्र सिंह, जसपाल सिंह मोहद्दीपुर, गगन सिंह, निरंजन सिंह, सोनू, तेजपाल सिंह सोनू, मनजीत सिंह, देवेंद्र, लकी सिंह, अति दरपाल सिंह, रघुवंश हिंदू, लकी जसपाल सिंह, अमरजीत सिंह काका, संतोष जायसवाल, त्रिलोचन सिंह, रूपा कौर, मीत साहनी, रणदीप कौर, अर्जुन कोहली, तेजिंदर सिंह अमृतसरी, डॉक्टर मेहता, सीमा गुप्ता, नीलू कौर, मनप्रीत सिंह खालसा, हर सिंह, जसविंदर कौर, मनजीत कौर, बलविंदर कौर, सुरेंद्र कौर, अमित सिंह, वंदना जायसवाल, हेमंत गौर, पार्वती मृगवानी, विक्की सिंह, सत्यम गुप्ता, जसवीर सिंह, कवल चोनी सिंह, तेग सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, Thank you.
मुझे याद करते हैं, पता नहीं मैं लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा। अमेरिका के एक महान विद्वान हुए मार्टिन लूथर किंग। दुनिया में विद्वानों में, दुनिया के विद्वानों में 8-10 नाम में अगर देखा जाए तो मार्टिन लूथर किंग का एक नाम आ रहा है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि कोई भी देश इस नाते महान नहीं हो सकता कि उस देश ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी करी है। कोई भी देश इस नाते भी महान नहीं हो सकता कि उस देश ने बड़ी धन संपदा इकट्ठा कर ली। कोई भी देश इस नाते महान नहीं हो सकता कि उस देश ने अपने बचाव में बड़ी बड़ी किलेबंदी कर ली। कोई भी देश महान तब होता है जब उस देश के धर्म और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों का ऐसे लोग पैदा होते हैं, और उन्हीं में से गुरु गोविंद सिंह महाराज के पूरा परिवार। सच में नीलम जी ने कहा, लंबे समय तक देश की आजादी को अक्षुण रखना है तो हमेशा अपने सीने में केवल सिख समाज का नहीं, इस सनातन परंपरा को और देश की आजादी अगर मिली है इसके न्यून में सिख गुरुओं का आज जो भारत है उन्हीं का बलिदान है। माता गुजर कौर और साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर के इस नमन यात्रा में मुझे आकर के गौरव की अनुभूति हो रही है। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा बलिदान नहीं होगा जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने धर्म के लिए पूरा परिवार बलिदान कर दिया हो। उनके पिता का बलिदान इस देश की सनातन परंपरा को कायम रखने, संस्कृति को कायम रखने के लिए, उनकी माँ का बलिदान, उनके दो पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज युद्ध में लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद होते हैं, और दो पुत्रों को जिंदा दीवाल में चुनवा दिया जाता है, उनका स्वयं का बलिदान, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा बलिदान नहीं होगा जिन्होंने देश और धर्म के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए इस प्रकार का बलिदान दिया हो। ये केवल सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश के राष्ट्रभक्तों को चाहिए कि 22 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक ये अपने गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद रखें, उनके प्रति श्रद्धा और उनको नमन करते हुए याद करें, अपने सीने में हमेशा रखें। कोई भी देश लंबे समय तक अपनी आज़ादी को अक्षुण तभी रख पाएगा जब अपने गौरवशाली इतिहास को, अपने पूर्वजों को, उनके बलिदानी गाथा को याद रखे। आज के अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के संपूर्ण परिवार, माता गुजरी और उन साहबजादों के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।